ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ करने वाला हूं गाइस, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, तो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस, इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर आप लोग ऐसी फोटो का एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस, आप सभी को अपने मॉडल का जो बैकग्राउंड है गाइस वो रेस करना है, ठीक है? तो गाइस आपको अपने दोनों मॉडल का बैकग्राउंड रेस कर लेना है। एंड गाइस, जो मैं यहाँ पे आप इसको फटाफट से यहाँ पे ड्रॉ टूल में ले जाकर यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे आपको रिजल्ट रूम में जाना है। रिजल्ट रूम में जाने के बाद यहाँ पे गाइस आपको हार्डनेस को गाइस यहाँ पे 90 तक रखना है, ठीक है? एंड गाइस, जिसके ऊपर मैंने एकदम प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर जिसको देखना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। तो गाइस, मैं इसको फटाफट यहाँ पे रेस कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस, आपको क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को गाइस यहां से अपने मॉडल को लेना है, ठीक है गाइस? तो यहां पे गाइस मैं अपने पहले वाले मॉडल को यहां पे ले लेता हूं। एंड गाइस, जो आपका पहले वाला मॉडल होगा गाइस आपको कैसे रखना है गाइस, आपको कुछ स्टेप्स यहां पे अपने इस मॉडल को रखना है, ठीक है गाइस? कुछ स्टेप्स है यहाँ पे, एंड आगे की तरफ आप सभी को रख देना है, ठीक है? एंड जो दूसरा मॉडल होगा गाइस वो आप सभी को कैसे लगाना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले गाइस मैं अपने इस मॉडल को यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो इसको मैं फटाफट से ऐड करता हूँ। ओके गाइस, सो हमने इस वाले मॉडल को ले लिया। अब गाइस यहाँ से ले लेता हूँ दूसरे मॉडल को, एंड दूसरे मॉडल को गाइस आप सभी को कैसे लगाना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। एंड गाइस, आप इसके मॉडल की शेडो की टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी आप सभी को गाइस मैं शेडो ही बताऊंगा कि आपको कैसे बनानी है, एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है? पहले मैं यहाँ पे अच्छे से एकदम सारे जितने पिंचेस वगैरह वो ऐड कर लेता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं शेडो कैसे बनानी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ना हमें इसका जो हमारा दूसरा मॉडल इसका थोड़ा सा कलर एडजस्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे थोड़ी शेडोज की एडजस्ट करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा शेडो उसको मैं बढ़ा दूंगा ऊपर की तरफ। एंड गाइस, आप लोग जो है अपनी फोटो का गाइस दोनों का जो सैचुरेशन वगैरह होगा ना गाइस वो दोनों आप सब मैनेज करके रखना है, मतलब कि रियलिस्टिक से लुक आना चाहिए क्योंकि, ठीक है? तो इसके बाद क्या करना है आपको गाइस, जो आपका दूसरा मॉडल होगा ना जो खड़ा होगा गाइस, उसका आप सभी को ना यहाँ पे हैंड रिमूव कर देना है, ठीक है? तो इसका जो दोनों हैंड होगा उसको आपको फटाफट यहाँ पे रिमूव कर देना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो गाइस, इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, अभी यहाँ पे आप सभी को डन नहीं करना है गाइस, ठीक है? आप सभी को यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है। फिर ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, जो आप सभी के जो मॉडल के ऊपर जो सर के ऊपर जो आपको ये रखना है तसला टाइप का गाइस आपको वो लगाना है, ठीक है? तो ये आप सभी को कैसे लगाना है गाइस वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी को गाइस ऐसे फुल स्क्रीन करना है, ठीक है? पहले तो फुल स्क्रीन करना है, अगर गाइस आपके हेड के ऊपर अगर परमानेंट अगर आ गया तो गाइस अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो गाइस आप इसको थोड़ा सा मतलब कि ऊपर नीचे करके भी आप लगा सकते हो, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से एकदम लगा लेते हैं। एंड गाइस, आप कोशिश करना कि यार आप जो है ना अपने सर के ऊपर कुछ मतलब कि रख लेना कपड़ा वपड़ा टाइप का, एंड उसके ऊपर रख के आपको फोटो क्लिक करवाना है। देन गाइस आपको ऐड फोटोज जाके ब्लैक शीट ले लेनी है गाइस शैडो बनाने के लिए, फिर आपको रिजल्ट रूम में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश का जो साइज होगा उसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। एंड इसके बाद आपको शैडो कैसे बनानी है गाइस वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी को फोटो को जूम करना है, फोटो को जूम करने के बाद गाइस आप सभी को कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है, ठीक है गाइस? तो इस टाइप से आपको पेंट कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि एक अच्छा सा एक शेडो बन जाए रियलिस्टिक सा, ठीक है? तो आपको ऐसे कर देना है। एंड जो कोई थोड़ा फालतू सा हो जाए उसको आप इरेज कर लेना, बाकी आपको दूसरे मॉडल जो गाइस उसके ऊपर ही कुछ सेम इसी टाइप से शेडो बनानी है। एंड गाइस कोशिश करना कि गाइस जो आपके शेडो का जो मतलब कि जो आपके ब्रश का जो साइज होगा ना वो थोड़ा छोटा रहे, ठीक है? बाकी आप समझदार हो, आपको तो पता ही होगा। बाकी आपको रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके एंड इसे मूव डाउन कर देना है, ठीक है? एकदम एंड में पहुंचा देना है। एंड उसके बाद आप फिर इसकी ओपेसिटी जो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे कम कर लेनी है गाइस। तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जो हमारी शेडो एकदम रियलिस्टिक टाइप से बन चुकी है, तो अब हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से डन।
ठीक है, तो इतना परफेक्ट है। अब गाइस आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको यहाँ से जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। तो ऐड फोटो में चलते हैं एंड यहाँ से गाइस आपको एक PNG और लेना है, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐड करते हैं एंड यहाँ पे हमने इसको ले लिया, आप इसको ऐड करते हैं एंड उसके बाद अगर आपसे फ्री करना आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है एंड कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, तो देखिए गाइस इस PNG से हमारा काफी अच्छा सा लुक आया है, तो बाकी इसको लगा देना आप सभी को भी एंड उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कलर करेक्शन मतलब कि जो है हमारी कलर करेक्शन करनी है जो कि हमें करनी है लाइट रूम ऐप में, तो इसको हम सेव करते हैं, इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो गाइस यहाँ पे जो है लाइट रूम ऐप को मैं ओपन करता हूँ एंड गाइस यहाँ पे जो मैंने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो गाइस आप सभी को क्या करना है, आपको जाना इस लाइट वाला ऑप्शन में, जो गाइस आप सबको हमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गाइस आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को। एंड जो गाइस ये शेडो है गाइस, पहले तो आपको शेडो इंक्रीज कर देनी है अपनी फोटो की, ठीक है, शेडो इंक्रीज कर देनी है एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, ये जो हाईलाइट है गाइस इसको आप सभी को गाइस आपको अपने फोटो के हिसाब से रखना है, ठीक है। हाईलाइट अगर आपके फोटो में अगर ज्यादा ब्राइटनेस आ रही हो तभी आप उसको छेड़ना है, ठीक है, बाकी अदरवाइज आपको उसको नहीं छेड़ना है। देन गाइस आपको जो ब्लैक है गाइस इसको आपको इंक्रीज कर देना है एंड जो व्हाइट है गाइस इसको भी थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको व्हाइट कलर थोड़ा मतलब चाहिए होगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, तो कलर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से जो वो इसका वाइब्रेशन होगा ना फोटो का इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड जो जिसका टेम्परेचर होगा गाइस आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है एंड गाइस उसके बाद आपसे चले जाना है ऐसे कलर मिक्स में, ओके। तो यहाँ से हम चलते हैं कलर मिक्स में एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है एंड गाइस अपने फेस के अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे सैचुरेशन माइनस करना है, ठीक है। एंड जो लुमिनस होगा वो भी अपने फेस के अकॉर्डिंग ही प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि सबके फेस का जो है वो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो आपको इतना कर देना है एंड गाइस उसके बाद जो आप सभी को यहाँ पे डार्क ब्लू को लेना है एंड इसका सैचुरेशन आपको यहाँ पे थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है, थोड़ा नहीं, मतलब अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो आप बिल्कुल माइनस कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको फिर पर्पल कलर लेना है एंड इसको इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन करना है एंड गाइस आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको शेडो के सामने ये पॉइंट सा दिख रहा होगा आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको जो ह्यू होगा गाइस इसको ले जाना है ऐसे येलो कलर में, ठीक है, येलो कलर में ले जाना है ह्यू को, इतना परफेक्ट है। फिर गाइस उसके बाद आपको इसका जो सैचुरेशन है गाइस आपको इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे टैप करना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को दोबारा इस वाले को जो मिट्टो है इसको भी गाइस आपको येलो टोन में ले जाना है, ठीक है। आप गाइस जो फोटो में टोन डालना चाहो गाइस आप वो टोन डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर को चूज किया है, आप अगर ब्लू रेड जोन से चाहो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो हाईलाइट में भी आपको सेम वही करना है, आपको सिंपली यहाँ पे गाइस इसके ऊपर ले जाना है यहाँ पे येलो कलर में एंड इसका सैचुरेशन प्लस कर देना है। तो गाइस देखिए हमारी फोटो में एकदम मतलब कि एकदम अलग ही टोन आई है एकदम अच्छी सी, तो आपको इतना कर देना है एंड उसके बाद गाइस आप कुछ करना है यहाँ पे नीचे जाना है कलर्स के नीचे वाले टूल में। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबको जो इसकी क्लियरिटी गाइस फोटो की वो बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से विग्नेट डाल देना है, एकदम काफी अच्छी लगी फोटो। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना आपको अभी मिलेगा ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर जाना है गाइस आपको नीचे वाले टूल में, ठीक है, जो आप सभी को नीचे टूल दिख रहा है इस पर जाना है एंड उसके बाद जो आपको फोटो की शार्पनेस है गाइस उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस जो नोटिफिकेशन आपको गाइस उसको बढ़ा देना है, ठीक है। तो हम इसको बढ़ा देते हैं एंड गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली गाइस जो फोटो का रिजल्ट आया ना गाइस वो आप सभी के सामने है, तो गाइस आपको मैं यहाँ पे एक बार बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा फोटो का बिफोर एंड ये गाइस आफ्टर जो हमने अभी एडिट की, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूं आप सभी से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।